सब्सक्राइब कीजिए टोटल हिंदी टेक्निकल को, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट और कंपोनेंट की जानकारी के लिए, वो भी हिंदी में, और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टेबलाइजर के बारे में और जानेंगे कि स्टेबलाइजर हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं और यह है कैसे काम करता है, और दोस्तों इसके अंदर होता क्या है और यह है कैसे वर्क करता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक ये स्टेबलाइजर है, ये इसका फ्रंट बेस साइड है। यहाँ पर आप ये देखते हैं, एक बटन, ये एक ये लाइट दिख रही है आपको, LED लाइट, और एक यहाँ पर बटन दिख रहा है और एक यहाँ पर मीटर दिख रहा है। तो ये तीन चीज़ इसमें आपको नज़र आ रही है। यह आउटपुट बटन है दोस्तों, यानी इसे आप बंद कर देंगे तो आउटपुट जाना बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये मिडिल में बंद है और नीचे ये आउटपुट ज़्यादा देगा और ऊपर ये आउटपुट कम देगा। तो तीन तरह से ये बटन काम करता है, ठीक है दोस्तों। और ये LED जब जलेगा, जब आप इसमें इनपुट दोगे, यानी जब इसमें इस लीड को सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो ये LED जल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था इसका फ्रंट साइड, अब इसके बैक साइड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड में सिर्फ एक आउटपुट का ही सॉकेट दिया हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसका इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है कि कितनी वोल्टेज दे रहा है, कितने एम्पियर्स का इसमें ट्रांसफार्मर लगाया है और कितने रेशो का इसमें ट्रांसफार्मर है। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके अंदर में देखते हैं कि अंदर होता क्या है, कैसे यह काम करता है। तो दोस्तों ये रहा इसका अंदर का साइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें तीन या चार कंपोनेंट ही लगे हुए हैं। जो मेन है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर का है और ये प्योर कॉपर में वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, यानी कॉपर के ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरा इसमें जो है एक कार्ड आपको नज़र आ रहा है, ये कार्ड दोस्तों सेफ्टी के लिए है। इसमें यहाँ पर आपको दो प्रीसेट नज़र आ रहे हैं, ये वोल्टेज को कम या ज़्यादा पर सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी ये जितने पे हमने सेट किया हुआ है उतने ही वोल्टेज ये आउटपुट में देगा। और एक प्रीसेट है कट के लिए, यानी जितने पे हमने सेट किया हुआ है उतने पे जाके उससे ज़्यादा लाइट आ गया तो ये, उससे ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो ये जब कट कर देगा, और उससे कम वोल्टेज आ गया जितना हमने सेट किया हुआ है तब भी ये कट कर देगा, और कट करने पे ये रिले कट होगा और आगे जाने सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और शो कैसे करेगा वोल्टेज को, वह उसके लिए हमने ये मीटर लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज मेंशन है, इस पर ये 100 वोल्ट है, ये 220 है और 300 वोल्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यानी जितने भी वोल्टेज पर हम इसको सेट कर देंगे उतनी वोल्टेज ये आउटपुट में हमें देगा। तो दोस्तों इसका यूज़ क्यों होता है, देखिए कुछ कंपोनेंट या कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं, जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया या TV हो गया, कभी कभी वोल्टेज कम ज़्यादा आने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसका काम है वोल्टेज को स्थिर रखना, स्टेबलाइज का मतलब ही वोल्टेज को स्थिर रखना होता है। तो इसका काम है वोल्टेज को स्थिर रखना, यानी अगर पीछे से वोल्टेज झटके ले लेकर, यानी कम ज़्यादा ऐसे करके लाइट आ रही है, तो उस कंडीशन में आपका TV या फ्रिज या जो भी इक्विपमेंट आपने सप्लाई से जोड़ा हुआ है वो ख़राब हो सकता है, और जनरली हो ही जाते हैं ख़राब। तो उस कंडीशन में अगर इस डिवाइस का आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा और ये सप्लाई को, यानी वोल्टेज को बिल्कुल स्थिर करके आगे प्रोवाइड कराएगा और आपका डिवाइस सेफ रहेगा। अगर वोल्टेज आपका कम आ गया तब भी ये कट कर देगा, सप्लाई को ब्लॉक कर देगा। अगर वोल्टेज कम ज़्यादा आ गया तब भी ये सप्लाई को रोक देगा और आपका जो डिवाइस है सप्लाई से कनेक्टेड वो बिल्कुल सेफ रहेगा। तो यानी ये सेफ्टी डिवाइस भी है और ये वोल्टेज को स्थिर भी रखता है। तो इस तरह से ये काम करता है। और इसमें ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर है, एक सप्लाई कार्ड है जो सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, और एक कट करने के लिए रिले है, और शो करने के लिए यहाँ पर मीटर है, और एक आउटपुट के लिए सॉकेट है। बस ये तीन चार कंपोनेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत यूज़फुल एक डिवाइस है। इसका मैं तो यही कहूँगा कि इसका आप ज़रूर यूज़ करें, जिससे कि आपका कुछ भी डिवाइसेस हो सप्लाई से जो चलता हो बिजली से वो बिल्कुल सेफ रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यह स्टेबलाइज़र आपको कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है। और आपका इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।